नमस्कार दोस्तों, नाम केश कुमार और मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरा डेली आने का ये मकसद रहता है कि मैं कुछ ना कुछ आपको नया नया बताता रहूँ। दोस्तों, जो आज का जो मेरा रहने वाला वो रहेगा हमारा डेमो, वो डेमो रहेंगे मेरे शॉप के साथ जो अभी मेरे चल रहे हैं। दोस्तों, आगे जो मेरे डेमो आने वाले वो रहेंगे हमारे पाउडर पर, हमारे जो है क्रीम पर और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ में डेमो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो को है ज्यादा से ज्यादा मतलब शेयर करना अगर आपको पसंद आती हो, साथ में उसके एक बेल आइकन का ऑप्शन तो उसको भी थोड़ा सा प्रेस कर देना, और एक सबसे जरूरी जो बात रहती है सब्सक्राइब जरूर कर देना, बोलना नहीं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉप जो है मार्केट में चल रहे हैं, कुछ जो है लोग रिकमेंडेड करते हैं किसी को, तो कुछ जो है हमें डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से मैंने क्या किया कि चुनिंदा शॉप को थोड़ा सा ढूंढ कर आपके सामने मैं ले आया हूँ और बहुत दिखाता हूँ। बहुत मतलब कि उनकी मतलब एडवर्टीजमेंट आती है टेलीविजन वगैरह में, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सिंथोल की आपने बहुत सारी एड में देखा होगा कि ये चल रहा है। तो इसकी जो कास्ट पड़ती है दोस्तों, इतने से शॉप की है 2500 रुपये की कास्ट है इसकी। तो दूसरा जो है मेरे पास पड़ा हुआ है ये है एलोवेरा कांति, ये हमें बॉडी क्लींजर हमें बताता है। तो तीसरा जो है मेरे पास ये लक्स सोल जो काफ़ी मतलब फेमस है टेलीविजन वगैरह में, आपने देखा होगा बहुत सारी एड में आती है। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, इन तीनों सोल का क्या करेंगे आप जो आपके सामने डेमो करके बताने वाले हैं कि ये पतंजलि वाला बढ़िया है, सिंथोल बढ़िया है कि लक्स वाला बढ़िया है। इन तीनों सोल का हम क्या करने वाले हैं, आपको डेमो दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है कि डेमो को करने के लिए हमें सब कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चाहिए 3 ग्लास की जरूरत पड़ती है इसके लिए, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने दोनों ग्लास तीनों ग्लास इतनी रख दी है, और मैंने इनके आगे हम रख देंगे ये सोप जो है, हम इनमें क्या करेंगे डालेंगे काट काट कर। तो और क्या की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, हमें जरूरत पड़ेगी एक बीटाडीन जो है 50 की जो कास्ट पड़ती है बॉटल की, और एक चाकू की पड़ेगी ताकि इसको क्या करेंगे इनको काट में इसमें डालने वाले हैं, और स्पून की ताकि इसको हिला सके। तो सबसे जो जरूरी रहेगा अभी क्या करना होगा, हमें पानी बॉटल लेनी होगी और सबसे पहले पानी को भरना होगा ग्लासेस में। देख सकते हो दोस्तों, मैंने क्या कर दिया ग्लासेस में पानी भरना शुरू कर दिया है। ये तीनों ग्लासेस में मैंने क्या कर दिया पानी को डाल दिया है। अभी हमें जो जरूरत पड़ने वाली है, मैंने बोला था ये मेरे पास बीटा देना है जो 50 की कास्ट पड़ती है, इसको डालना होगा पानी में। पानी में इसलिए डालना होता ताकि ये पानी का कलर क्या कर सके, काला पीला जो है कर दे उस तरह से। तो देख सकते हो मैंने तीनों ग्लासेज में जो बीटा देन को ऐड कर दिया। ये दोस्तों थोड़ा हिलाकर बता देते हैं कि जो पानी का कलर वो किस तरह से आपको दिख रहा होगा, कुछ वाइन कलर सा है ना एकदम से। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, जो मेरे पास रोप पड़े हैं तो इनके हिसाब से हमें इन ग्लासेस में डालना होगा। तो किसकी सहायता से, जो मेरे पास चाकू पड़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास है पतंजलि का एलोवेरा कांति जो है बॉडी क्लींजर बोलता है, जिसको हम इसकी स्लाइस जो है पतली पतली करके इसमें डालने वाली। देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसमें क्या कर दिया, काफी सारा जो है सोप इसमें पतंजलि वालों का डाल दिया है, काफी सारी मोटी मोटी स्लाइस करके। तो अब जो है कि जो मेरे पास जो सेंटर में पड़ा है ये मेरे पास लक्स सोप, इसको हम क्या करेंगे निकाल कर इसमें डालेंगे। और जो है हर एक सोप पर आप देख सकते हो कि उनका जो है मार्क बना होता है, ऐसे लक्स बना हुआ है लिखा हुआ है। तो इसमें डालते हैं इसकी जो पतली पतली लेट करके। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैं इसकी जो है पतली पतली लेयर जो है काट कर इसमें डालने वाला हूँ ग्लास में। देखिए दोस्तों, काफी सारा सोप इसमें मैंने डाल दिया है जो अलग सोप का। तो जो है मेरे पास जो थर्ड वन है वो मेरे पास है सिंथोल। अब मैं इसको क्या करूंगा, खोल कर इसमें डालने वाला हूँ जो थर्ड वन जो ग्लास मेरे पास बचा हुआ है। तो जो अंदर से है जो सिंथोल लिखा हुआ है सोप, जो ये इस तरह का आपको दिख रहा होगा थोड़ा लाइट ग्रीन सा, तो इसको भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे स्लाइस करके इसकी डालते हैं पानी। देखिए दोस्तों, खुशबू बहुत अच्छी है इस सोप की, देखने वाली चीज है कि आप जैसे निकालोगे ना तो खुशबू से आप मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ये इतना मतलब बढ़िया दिख रहा है, लग रहा है खुशबू आ रही है। ये है पतंजलि वाला, इसको हिलाते हैं। सबसे पहले हम जो पहले पानी का कलर था वो किस तरह से आपको दिख रहा था दोस्तों, लाल कलर में। अभी जो है जी इसने क्या कैसा कर दिया पानी का कलर, कुछ येलोइश कलर में कर दिया है। दोस्तों, क्या ये पानी का कलर जो है बिल्कुल सफेद करेगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, दोस्तों जो है ये पतंजलि का सोप है, जो पतंजलि वालों का है, इसने जो है पानी का जो कलर था लाल उसको जो तब्दील करते 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 इसने कैसे कर दिया है, ये थोड़ा सा आपको सफेद में टर्न होता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। दोस्तों, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं हिलाकर। अब दोस्तों, ये वाला जो ग्लास मैं जिसको हिला रहा हूँ अभी, ये है हमारे पास पड़ा हुआ लक्स सोप, इसका ये है इसमें मैंने सोप डाला होता है ग्लास में, क्या ये पानी का कलर जो है चेंज करेगा। देखिए दोस्तों, पहले जो पानी का कलर था काफी लाल था, अभी जो है कि पानी का कलर आपको किस तरह से दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे मतलब कि येलोइश कलर में दिख रहा होगा। तो
क्या जो पानी का कलर बिल्कुल फेल करेगा, वाइट करेगा ये दोस्तों, इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों जो लास्ट वाला जो है मेरे पास पड़ा हुआ है सिंथोल, इसको भी लाकर दिखाते हैं आपको। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो सिंथोल सोप है इसने जो है पानी का कलर जो थोड़ी ही देर में इसने पानी का कलर जो है कि किस तरह से कर दिया, येलोइश कलर में कर दिया है। कैसे पानी का कलर बिल्कुल वाइट करेगा, देखते हैं इसको हिलाकर। दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पहला ग्लास है मेरे पास जो लेफ्ट हैंड में जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ इसको, ये जो है पतंजलि वालों का जो सेंटर में है वो लक्स सोप है और जो लास्ट में है जो सिंथोल है। तो दोस्तों मैंने तीनों सोप को मिले आपके सामने, मैंने आपको डेमो करने को लिए बताया था। तो ये सिंथोल वाला भी मैंने काफ़ी हिला दिया और ये है हमारे लक्स सोप। तो आप देख सकते हो दोस्तों जो पानी के जो है सबसे ज़्यादा जो साफ किया है वो पतंजलि वाले ने किया है और दूसरे नंबर पर जो पानी को साफ किया है वो है जो सिंथोल सोप आपको दिखा रहे हैं। इसने भी पानी को काफ़ी हद तक जो है साफ कर दिया, लेकिन ये है ना लक्स सोप इसने भी मोले के पानी का कुछ साफ तो किया रंग, लेकिन पूरा का पूरा पानी तो पानी साफ नहीं किया है। दोस्तों आपके सामने है जो तीनों के तीनों में डैमो मैंने आपको जो दिखाए थे, फर्क आप नजर देख सकते हो। ये ऐसा अगर चेंज करके देखो थोड़ा सा तो आपको बता दूं इस तरह से सबसे ज्यादा जो साफ किया पानी को पहले पतंजलि वाले ने, दूसरे नंबर पर जो पानी को साफ किया वो सिंथोल वाले ने किया, और जो थर्ड वाले पर किया वो है जो हमारे कौन सा लक्स सोप ने। तो आप देख सकते हो इनको तीनों को ऐसे करके आप देख सकते हो, ये जो सोप के साथ सामने सामने हमने ग्लास रखे हुए हैं पूरा का पूरा, आप देख सकते हो पानी का भी जो फर्क है और पूरा का पूरा हमने जो है आपको डेमो करके दिखा दिया है। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो थी यही थी कि आपको देखो आपने तो पैसे खर्च करने होते हैं जगह जगह, लेकिन आपको बड़े इस्तेमाल में लेने चाहिए। तो आपको सच में ऐसा लगे कि हमारे शरीर की सफाई कर रहा है, हमें दाने रेसेस वगैरह जो फुजली वगैरह नहीं होने देता। तो दोस्तों आपको सोप जो है कि सोच समझ कर ही लेने होंगे, पैसे तो बहुत सारी जगह पर खर्च कर देते हो, उनको बे मतलब का ऐसे खर्च ना करें किसी को देख कर कि वो अच्छा लगा रहा है तो हम भी उसी तरह से लगाएं। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।